आखिरकार रंश और शालू की हो ही गई शादी, फूट फूट कर रोए आयुष। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल टेलीपीप्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे सारिका। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में क्या नया, क्या खास, क्या धमाकेदार देखेंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, एक तरफ यहां पर हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से अब ओबेरॉय परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि पुलिस ने गुंडों और पलविंदर को अरेस्ट कर लिया है। इसी के साथ साथ ताजा अपडेट ये है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर फाइनली अंश और आयुष की शादी हो पैच फाइनली अंश और शालू की शादी हो जाती है, जहां पर अंश तो बहुत खुश होता है शालू को पाकर, क्योंकि वो मन ही मन उसे चाहता था और हासिल करना चाहता था और उसका ये मकसद पूरा भी हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ आयुष फूट फूट कर रोता हुआ नजर आता है। जी हाँ, अपकमिंग ट्रैक में आयुष का इमोशनल ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर अंश और शालू की शादी होने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो वो है आयुष की वाइफ अनुष्का, क्योंकि आयुष और शालू उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। वहीं हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर किसी पर दुख का पहाड़ टूटा है तो वो है आयुष। हम आपको बता दें दोस्तों, आयुष ने कभी सोचा नहीं था कि उसका प्यार किसी और का हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और शायद किस्मत में यही मंजूर था और शायद किस्मत को यही मंजूर था। वहीं आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे ऋषि और किस तरीके से करिश्मा जो आयुष की माँ है वो अपने बेटे आयुष को संभालती हुई नजर आने वाली है और कहने वाली है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ। यहाँ पर अनुष्का भी आयुष को संभालती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल सीरियल भाग्य लक्ष्मी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।